नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार का दिन है। तृतीया तिथि आज देर रात 1:54 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:33 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। आज यह योग 29 फरवरी की सुबह 10:22 से अगली सुबह 6:23 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 8 मार्च की सुबह 6:17 से सुबह 10:41 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 फरवरी की सुबह 6:47 से सुबह 7:31 तक, और एक बार फिर सुबह 8:56 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 मार्च की सुबह 6:41 से सुबह 10:08 तक, और एक बार फिर दोपहर 12:03 से दोपहर 2:18 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 फरवरी की सुबह 6:47 से सुबह 7:31 तक, और एक बार फिर सुबह 8:56 से सुबह 10:22 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 फरवरी की सुबह 9:26 से दोपहर बाद 3:12 तक, और एक बार फिर शाम 5:32 से रात 12:21 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:39 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 फरवरी की सुबह 6:47 से सुबह 7:31 तक, और एक बार फिर सुबह 8:56 से सुबह 10:22 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 फरवरी की सुबह 6:47 से सुबह 7:31 तक, और एक बार फिर सुबह 8:56 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर बाद 3:31 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं।
आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:26 से शाम 4:52 तक, मुंबई दोपहर बाद 3:47 से शाम 5:15 तक, चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:26 से शाम 4:52 तक, लखनऊ दोपहर बाद 3:12 से शाम 4:38 तक, भोपाल दोपहर बाद 3:27 से शाम 4:54 तक, कोलकाता दोपहर 2:44 से शाम 4:11 तक, अहमदाबाद दोपहर बाद 3:46 से शाम 5:13 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:19 से शाम 4:48 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आया है। इस राशि के कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। किसी विषय में आ रही समस्याएं आज दूर हो जाएंगी। घर वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। ऑफिस में जूनियर्स आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। लवमेट के साथ रिश्तों में सुधार आएगा। आप उनके साथ डिनर करने का प्लान बनाएंगे। आज आपका कोई काम बड़ी ही आसानी से पूरा हो जाएगा। बच्चे आज आपसे कॉपी की डिमांड कर सकते हैं। आज बड़ों से प्रेरणा लेकर काम की पहल करने की जरूरत है। अपना आर्थिक लक्ष्य पाने के लिए अपनी रचनात्मक क्षमता काम में लाएंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपको सरकारी कामों में कुछ लोगों से सहयोग मिलेगा जिससे आपका काम समय पर पूरा हो जाएगा। आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी, साथ ही परिवार वालों का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपको तरक्की के नए रास्ते खुले नजर आएंगे। आप दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई गुड न्यूज मिल सकती है। शादीशुदा लोग आज के दिन कहीं घूमने जा सकते हैं। एसी या फ्रिज से जुड़े कार्य करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपके काम में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज ऑफिस में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज आपकी कार्यक्षमता भविष्य में फायदा दिलाएगी। सामाजिक स्तर पर आपका रुतबा बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए किसी मित्र से आर्थिक मदद मिलेगी। आसपास के माहौल का लुत्फ उठाएंगे। आपकी किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होने की संभावना बन रही है। कोई दोस्त बिजनेस के लिए आपको कुछ नए आइडियाज दे सकता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कुछ बड़े लोग आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज पैसों के मामले में आपको किसी तरह की टेंशन लेने से बचना चाहिए। कार्यक्षेत्र में ध्यान से कार्यों को करने की जरूरत है। इस राशि के छात्रों को भी अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। माता पिता का आपको पूरा साथ मिलेगा। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है। आपको अपने साथ ही अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, साथ ही अपने मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे आज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का मन बनाएंगे। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपको सबके सामने अपने स्वभाव को बेहतर बनाकर रखना चाहिए। खास करके अपने दोस्तों के साथ रिश्ते में मजबूती लाने की जरूरत है। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को जॉब का कोई अच्छा अवसर मिलेगा। आपको कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वाहन आदि के संदर्भ में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इस राशि के बुकसेलर्स के लिए आज का दिन मुनाफा लेकर आया है। रोज की अपेक्षा अधिक सेल होगा। आज बिक्री अधिक होगी। आज आप जीवन साथी के व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे। किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने भी जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। लोग आपसे खुश रहेंगे। आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशिप करने का विचार बनाएंगे। आपको उम्मीद से ज्यादा धन लाभ हो सकता है।
कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी की लोग सराहना करेंगे। आज आप परिवार के साथ देवी माँ के मंदिर जाएंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी दोस्त की वजह से जॉब मिलेगी। नवविवाहित दंपति आज एक दूसरे को उपहार देंगे। लेखकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपके लेखन कार्यों की सराहना बड़े पैमाने पर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आप किसी सामाजिक कार्य में रुचि ले सकते हैं। आपको किसी धार्मिक आयोजन से जुड़ने का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आपको थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। सहकर्मियों से सहयोग पाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अपने काम को परफेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है। परिवार में रिश्तों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। बच्चों के साथ अपने व्यवहार को नॉर्मल रखें। घर पर आज कोई किसी धार्मिक आयोजन का अनुष्ठान करने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आप अपने करियर के बारे में सोच विचार करेंगे। किसी काम के लिए आप नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। आज आप हर तरह के वाद विवाद से दूर रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। परिवार वालों के साथ प्रेम भाव बनाए रखने की कोशिश करेंगे। रिश्ते में मजबूती आएगी। स्पोर्ट्स से जुड़े लोग आज खेल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। महिलाएं आज किसी समारोह में जाएंगी। साथ ही मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। ऑनलाइन व्यापार कर रहे लोगों को आज कोई बड़ा ऑफर मिलेगा। आज के दिन आप किसी नई रचना की शुरुआत भी कर सकते हैं। आज ईमानदार लोगों की सहायता से आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को आसानी से निपटा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज बड़े बुजुर्ग अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। आप अपने किसी खास दोस्त के घर पूजा में भी शामिल हो सकते हैं। आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। आज आपको लाभ के कई सारे मौके मिलेंगे। इस राशि के बच्चे आज कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। आपका कोई जरूरी काम आज समय पर पूरा हो जाएगा। दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी। जीवन साथी के साथ किसी अच्छी ट्रिप पर जाने की योजना बनाएंगे। आप अपने दोस्त को घर में किसी धार्मिक आयोजन के लिए बुला सकते हैं। अगर आप कमर दर्द की समस्या से परेशान चल रहे थे तो आज आपको उससे छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपको दोस्तों से कोई अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। ऑफिस में आपको अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। बिजनेस के क्षेत्र में भी बड़े बड़े लोगों से मिलने में आपको किसी की मदद मिल सकती है। आपकी तरक्की सुनिश्चित है। दांपत्य जीवन में प्यार बना रहेगा। आज आसपास की चीजों में आप आसानी से खुशी तलाश लेंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा। सेहत के मामले में भी सब बेहतर रहेगा। अपना कोर्स पूरा कर चुके छात्रों को आज किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपके हर काम का हल चुटकियों में निकल आएगा। ऑफिस में भी आपके काम की तारीफ होगी। किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको अपनी राय देने का मौका मिलेगा। अधिकारियों को आपकी राय पसंद भी आएगी। आप लेखन कार्यों में रुचि लेंगे। आज आपके सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। इससे आपके रिश्ते की मजबूती बरकरार रहेगी। माता पिता आपकी मेहनत से खुश रहेंगे। आपको सभी काम में उनका सपोर्ट मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आप अपना कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपको किसी नई बिजनेस डील के लिए विदेश जाने का ऑफर मिल सकता है। आप जीवन साथी के साथ शॉपिंग करने की प्लानिंग करेंगे। इस राशि के बच्चों की पढ़ाई बेहतर तरीके से चलेगी। परिवार में सबकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। जीवन में पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। आज अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर ध्यान रखने की जरूरत है। विरोधी पक्ष आज आपसे आगे निकलने का प्लान बना सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो किसी गरीब कन्या को कपड़े दान करें
और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक नारियल बहते जल में प्रवाहित करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक एक वालों आज घर में मेहमान के आने की खुशी से घर की सजावट करने में उत्साहित रहेंगे। मूलांक दो, काफी समय से किसी काम को करने की कोशिश आज सफल होगी। मूलांक तीन, आज सोशल मीडिया पर पुराने दोस्त से आपकी बात होने से आपको खुशी मिलेगी। मूलांक चार, लवमेट आज लंच पर जाएंगे जिससे उनके बीच की दूरियां खत्म होंगी। मूलांक पांच, प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की मेहनत अच्छे रंग लाएगी। मूलांक छः, आज पूरा दिन आप नए कार्य और व्यवसाय को करने के लिए उत्सुक रहेंगे। मूलांक सात, कॉस्मेटिक के कारोबारियों को आज किसी प्रोडक्ट की सेल से अच्छा मुनाफा होगा। मूलांक आठ, ट्रांसफर के लिए प्रयासरत लोगों का ट्रांसफर मनपसंद जगह पर होगा। मूलांक नौ, राजनीति से जुड़े लोगों का आज समाज में पद बढ़ेगा, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पूर्वमुखी भवन की विभिन्न स्थितियों में भवन निर्माण करवाते समय शुभाशुभ परिणामों के बारे में। किसी भी दिशा में भवन बनवाते समय उसके शुभ अशुभ परिणामों के बारे में अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। भवन की शुभ स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या करना है और अशुभता से बचाव के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। आज हम सबसे पहले पूर्वमुखी भवन की शुभता हेतु अपनाए जाने वाले पहलुओं पर विचार करेंगे। पूर्वमुखी भवन में पूर्व और उत्तर दिशाओं में खाली स्थान हो तो भवन स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ की दृष्टि से बड़ा ही हितकारी होता है। लिहाजा पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशाओं में खाली स्थान छोड़ना जरूर छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से धन और वंश के साथ साथ स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। वास्तुशास्त्र में कल हम पूर्वमुखी भवन के अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज जब फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार का दिन है, तृतीया तिथि आज देर रात 1:54 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:33 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित होते हैं, उन्हीं में से हस्त 13वां नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में से एक है। इस दौरान किए गए सभी कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है। हस्त नक्षत्र का अर्थ होता है हाथ और इसी के अनुसार हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हमारी हथेली को माना जाता है, जो कि सीधे तौर पर हमारे भाग्य को दर्शाती है। हस्त नक्षत्र हमारे भाग्य को उज्ज्वल करने वाला है। हस्त नक्षत्र को हमारे जीवन में परिश्रम करने की क्षमता, विशेष करके हाथ की कला से किए जाने वाले कार्यों के साथ जोड़कर देखा जाता है। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, अतः हस्त नक्षत्र के दौरान चंद्रदेव की उपासना की जाती है। साथ ही हस्त नक्षत्र में भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है। इसकी राशि कन्या है और इसका संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को हस्त नक्षत्र के दौरान रीठा के पेड़ या उससे बनी किसी अन्य चीज़ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये थी चर्चा हस्त नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज मंगलवार और हस्त नक्षत्र के संयोग में हनुमान जी के निमित्त किए जाने वाले विशेष उपायों की, जिन्हें करके आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। अगर आप कुछ कुछ दिनों के अंतराल में अपने आप को आर्थिक समस्याओं से घिरा पाते हैं और अब इस स्थिति से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं तो आज आपको हनुमान जी के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः। आज के दिन हनुमान जी के इस मंत्र का जप करने से भी आपकी डामाडोल आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर होगी। अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते के मध्य ऊष्मा पहले की अपेक्षा कम हो गई है तो आप फिर से अपने रिश्ते में एक नई ऊष्मा भरना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें चमेली का तेल भरिए और एक लाल रंग की पड़ी हुई पत्ती लगाइए। अब उस दीपक को हनुमान जी के मंदिर ले आकर जलाइए। अगर घर से बाहर मंदिर में नहीं जा सकते तो घर में ही हनुमान जी की तस्वीर को के आगे वो दीपक जलाइए। भगवान के आगे दीपक जलाते समय अगर दोनों दंपति मौजूद हों तो और भी श्रेष्ठ है, वरना स्वयं ही दीपक जलाने, इसके साथ ही दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी करें।
आज के दिन ऐसा करने से आपके दांपत्य रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अगर आपको अपने किसी काम को करने में कोई परेशानी आ रही है और वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आज के दिन एक मौली यानी कलावा लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां जाकर उस मौली को हनुमान जी के चरणों में रख दें। अब भगवान के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर टीका लगाएं, उसके बाद वहां रखी मौली में से एक लंबा सा धागा निकालकर अपने हाथ की कलाई में बांध लें और बाकी बची हुई मौली को वहीं मंदिर में ही रखा रहने दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम में आ रही परेशानी दूर होगी और आपका काम जल्द ही पूरा होगा। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं और आपसे कर्ज चुकाए नहीं चुक रहा है, तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। फिर घर में किसी उचित स्थान पर आसन बिछाइए और उस पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। आसन पर बैठने के बाद श्री हनुमान का ध्यान करते हुए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा अगर आप आज मंगलवार के दिन अपने कर्ज की एक किश्त या एक रुपया भी लेनदार को चुकाएं, तो आज के दिन ऐसा करने से आपका कर्जा जल्दी ही उतर जाएगा। अगर आप अपने परिवार की खुशियां बरकरार रखना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद थोड़े से चमेली के फूलों को इकट्ठा करें। अब उन चमेली के फूलों की माला बनाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान को वो माला अर्पित करें। साथ ही अपने परिवार की खुशियों की दुआ करते हुए एक धूप बत्ती भी जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की खुशियां हमेशा बरकरार रहेंगी। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में प्यार की बयार को बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको मंगल के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। मंत्र जप करने के बाद हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। अगर आज अपने घर परिवार को हर बुरी नज़र से बचाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए। अब उस बर्तन में शहद डालना चाहिए, उसके ऊपर ढक्कन लगाना चाहिए। इस प्रकार मिट्टी के बर्तन में शहद डालकर उस पर ढक्कन लगाकर हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी और आपके परिवार की हर बुरी नज़र से हमेशा सुरक्षा होगी। अगर आप अपने कामों की गति को बनाए रखना चाहते हैं या अपने किसी खास काम की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज के दिन एक सफ़ेद कोरा कागज़ और एक केसरिया सिंदूर लीजिए, थोड़ा सा केसरिया सिंदूर, और अब उस सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर उससे सफ़ेद कोरे कागज़ पर भगवान राम का नाम 11 बार लिखें। नाम लिखने के बाद उस कागज़ को अच्छे से सुखा लें और सूखने के बाद उस कागज़ को मोड़कर अपने साथ रखें। आज के दिन ऐसा करने से आपके कामों की गति बनी रहेगी और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपका बच्चा अचानक रात को सोते समय डर जाता है या उसे दूसरे लोगों नए लोगों से मिलने जुलने में परेशानी होती है, तो आज के दिन आपको श्री हनुमान की उपासना करनी चाहिए। साथ ही भगवान को केसरिया सिंदूर अर्पित करना चाहिए और अपने बच्चे के माथे पर भगवान के चरणों से लिया गया सिंदूर लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे का डर खत्म होगा और नए लोगों से मिलने में उसे किसी प्रकार की हिचक नहीं होगी। अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद एक जटा वाला नारियल और 1.25 मीटर लाल कपड़ा लीजिए। अब नारियल पर उस लाल कपड़े को लपेट दें। इस प्रकार लाल कपड़े से लिपटे हुए नारियल को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। उसके बाद मंदिर में या फिर अपने ही घर में उचित स्थान पर बैठकर हनुमानाष्टक का पाठ करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए हस्त नक्षत्र में रीठा के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और अपनी सफलता हासिल करने के लिए पेड़ की जड़ को छूकर प्रणाम करें। आज एक दिन ऐसा करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर लाख परिश्रम के बाद भी आपके कारोबार की गति ठीक से नहीं चल रही है और आपको मन मुताबिक फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए हस्त नक्षत्र में 1.25 किलो चावल या चांदी का दान करना चाहिए और संभव हो तो हस्त नक्षत्र के दौरान गले में सफ़ेद फूलों की माला धारण करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके कारोबार की गति बढ़ने लगेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज हस्त नक्षत्र और मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।
और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, स्टूडेंट्स को करियर से रिलेटेड अच्छे मौके मिलेंगे, नए लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए दिन अच्छा है। बी, संतान की तरफ से सुखद समाचार मिलेगा, पूरे दिन आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी। सी, आज गुस्से पर काबू रखकर कार्य करने की जरूरत है, किसी से बात करते समय मधुर भाषा का प्रयोग करें। डी, किसी काम में पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, काम बनते नजर आएंगे। ई, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, कोई नई चीज खरीदने की सोच सकते हैं। एफ, बेहतर होगा आज किसी से दिल दुखाने वाली बात ना करें, सहयोग भाव से काम करने से लाभ होगा। जी, आज लवेक के साथ रिश्ते में मधुरता आएगी, प्रियजनों का सहयोग भी मिलेगा। एच, दोस्त की मदद से रुका हुआ काम पूरा होगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा। आई, आज आपकी सूची नए नए कार्यों के प्रति बढ़ेगी, आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। जे, आज आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, लोग आपसे प्रभावित भी होंगे। के, कलीग्स आपके काम की तारीफ करेंगे, उनसे कोई गिफ्ट मिल सकता है। एल, कारोबार की स्थिति अच्छी रहेगी, कारोबार से जुड़ी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। एम, आज आपकी सेहत बेहतरीन रहने वाली है, अपने खान पान पर विशेष ध्यान देंगे। एन, ऑफिस में आज कोई जूनियर आपसे मदद मांग सकता है, उसकी आप पूरी तरह से मदद करेंगे। ओ, जमीन लेने के बारे में विचार कर सकते हैं, ध्यान से अपनी डील फाइनल करें। पी, आज विद्यार्थियों को बढ़िया परिणाम प्राप्त होंगे, सफलता कदम चूमेगी। क्यू, दोस्तों से आज किसी प्रोजेक्ट में मदद मिल सकती है, सबको साथ लेकर चलने से फायदा होगा। आर, आज नया काम शुरू करने का योग बन रहा है, बेहतर होगा माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। एस, आपको बच्चों से प्यार मिलेगा, उनको साथ कहीं घुमाने ले जा सकते हैं। टी, आज प्रमोशन होने का योग बन रहा है, मेहनत से आगे बढ़ते रहिए। यू, स्टूडेंट्स को नई कला सीखने को मिलेगी, शिक्षकों का पूरा पूरा सहयोग भी मिलेगा। वी, आपको घर के बड़े बुजुर्गों का प्यार मिलेगा, बड़ों से आशीर्वाद लेना ना भूलें। डब्ल्यू, भक्ति भाव में आज आपकी आस्था बढ़ेगी, आसपास के किसी मंदिर जा सकते हैं। एक्स, आज आप लापरवाही से कोई काम ना करें, अन्यथा काम पूरा करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। वाई, आपके काम से घर वाले खुश होंगे, उन्हें कहीं घुमाने भी ले जा सकते हैं। जेड, आपकी कोई बिजनेस डील फाइनल हो सकती है, जिससे धन लाभ होने के आसार नजर आ रहे हैं। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं गुजरात के मृदेश्वर महादेव के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के गोधरा में स्थित है। इस शिवलिंग का आकार एक वर्ष में एक चावल के दाने के बराबर बढ़ता है। मृदेश्वर महाराज के बढ़ते शिवलिंग के आकार को प्रलय का संकेत माना जाता है। इस शिवलिंग के विषय में मान्यता है कि जिस दिन लिंग का आकार 8.5 फुट हो जाएगा, उस दिन यह मंदिर की छत को छू लेगा। जिस दिन ऐसा होगा, उसी दिन महाप्रलय आ जाएगी। मृदेश्वर शिवलिंग की विशेषता यह है कि इसमें से स्वतः ही जल की धारा निकलती रहती है, जो शिवलिंग का अभिषेक कर रही है। इस जलधारा में गर्मी एवं सूखे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, धारा अविरल बहती रहती है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे सफेद व सुंदर दांतों वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। ऐसे दांतों वाले लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है, इनका स्वभाव काफी मिलनसार होता है, इसलिए ये लोग दूसरों के बीच जल्दी ही घुल मिल जाते हैं और उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे लोग थोड़े इमोशनल भी होते हैं और जल्दी ही दूसरों की बात पर भरोसा कर लेते हैं, जिसका खामियाजा भी इन्हें कभी कभी भुगतना पड़ जाता है। वहीं जिनके दांत सफ़ेद व सुंदर होने के साथ ही एक साथ लाइन में हो, उन्हें भरपूर सुख के साधनों की प्राप्ति होती है। इनमें गुणों का भंडार होता है, अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर ये सब कुछ पा सकते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 27 फरवरी को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है।
स्थिति आती थी में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। तृतीया तिथि आज देर रात 1:54 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी जो कि कल का पूरा दिन और पूरी रात पार करके अगली भोर 4:19 तक रहेगी। चतुर्थी में मूली का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज मंदिर या धार्मिक स्थल पर कुछ दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।